नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको वेस्ट फेसिंग राइस मिल यानी कि चावल के प्लांट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आप यदि नया प्लांट लगाने जा रहे हैं और वो जगह आपकी अपनी पश्चिम मुखी है, तो आपको प्लॉट में किस तरीके से राइस मिल का सेटअप करना है, जो जानकारी मैं आपको देता हूँ वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी आपके साथ हमेशा ही शेयर करता हूँ। और मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो मैं आपको एक बात कहूँगा, मेरी वीडियो को आप अपने सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ किसी और भाई का भी अच्छा हो सके। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ, जो आपका अपना ये प्लॉट है वेस्ट फेसिंग पश्चिमुखी प्लॉट है और नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट में मेन गेट आपने कहाँ बनाना है, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में मेन गेट बनाना है, लेकिन वेस्ट सेंटर से स्लाइटली नॉर्थ वेस्ट की ओर मेन गेट बनाना है, पहली बात। दूसरी बात, आपका अपने प्लॉट का जो एरिया है, जितने भी साइज का आपने अपना प्लॉट जगह ले रखी है राइस मिल लगाने के लिए, वो कंप्लीट एरिया आपकी अपनी रोड लेवल से हमेशा ही ऊँचा होना चाहिए, क्योंकि आज आपके पास पैसा भरपूर है या नहीं है, कम भी है तब भी हर व्यक्ति क्या करता है, जल्दबाजी में प्लांट का स्ट्रक्चर बनाने की तैयारी करता है। प्लांट का एरिया तो ऊंचा ले लेता है, लेकिन पूरे प्लॉट का जितना भी एरिया बाकी खुला बसता है वो एरिया हमेशा ही रोड लेवल से गली के लेवल से नीचे रह जाता है। मैं आपको एक बात कहूँगा, कंप्लीट एरिया ही आपका अपना रोड लेवल से ऊंचा होना ही चाहिए, क्योंकि आपका अपना राइस मिल आप लगाने जा रहे हैं और राइस मिल छोटी जगह में नहीं लगती, बहुत बड़ी जगह में लगती है, क्योंकि बरसात जब भी आती है बहुत बड़ी जगह है तो अब बरसात का जितना भी पानी इकट्ठा होगा वो सारा का सारा पानी आपके अपने प्लांट के अंदर ही इकट्ठा रह जाएगा, उसको बाहर पानी निकलने के जगह रास्ता नहीं मिल पाए, क्योंकि जब चार दीवारी लग जाती है, चार दीवारी लगने के बाद आप अपने प्लांट से बरसात का पानी पड़ोसी के यहाँ, चाहे ईस्ट में हो चाहे नॉर्थ में या साउथ में, कहीं भी आप छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए मैं आपको एक ही बात कहूँगा, आप अपने प्लॉट का भराव ज़रूर कराएं। अब मैं आपसे बात करता हूँ बिजली का मीटर, इलेक्ट्रिसिटी आपने कहाँ लेनी है। इलेक्ट्रिसिटी आप दो जगह ले सकते हैं, फर्स्ट में नॉर्थ वेस्ट वेस्ट वॉल पर, सेकंड साउथ वेस्ट में साउथ वॉल पर, क्योंकि बिजली का मीटर हमेशा ही रोड के ऊपर, जो आपकी अपनी दीवार लगती है दरवाज़ा, उनको रोड के ऊपर ही चाहिए, तो इसलिए फ्रंट में आपका दरवाज़ा बन जाता है, अंदर आपका बिजली का मीटर लग जाता है। ये हमारी सेकंड ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में हमारा यहाँ पे है, क्योंकि बिजली का मीटर तो आपका अपना फ्रंट में ही लगेगा, ये तो क्लियर है। अब इसके साथ जनरेटर यदि हमने लगाना है, जनरेटर भी हमें फ्रंट में ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अपना राइस प्लांट है, चावल का प्लांट है, चावल के प्लांट में डस्ट बहुत उड़ती है, भूसी बहुत उड़ती है, क्योंकि जब धान को पैडी को क्लीन किया जाता है तो मिट्टी बहुत उड़ती है, जब आती है तब भी गाड़ी खाली होती है, बोरियां खाली होती हैं तब भी मिट्टी बहुत उड़ती है, तो जनरेटर के आसपास कभी भी डस्ट नहीं होनी चाहिए। एज पर वास्तु, एज पर अनुभव, तो जेनसेट आपका यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ आपका जेनसेट आ नहीं पाएगा, हम ला नहीं सकते। एज पर रिक्वायरमेंट, वास्तु के हिसाब से नहीं, इसलिए आपको जेनसेट कहाँ लगाना है, मीटर आपने नॉर्थ वेस्ट में लिया तो जेनसेट आपका यहाँ आ जाएगा, और मीटर आपने साउथ वेस्ट में लगवाया तो जेनसेट आपका यहाँ आ जाएगा। इन दोनों के साथ साथ आप जनरेटर एक जगह और लगा सकते हैं, ईस्ट के सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर, आपके पास यदि ये स्पेस प्लांट से ईस्ट की दीवार बहुत ज़्यादा दूरी पे है, प्लॉट का साइज आपका बहुत बड़ा है, आपकी जगह बहुत बड़ी है, तो मैं कहूँगा आपको आप जनरेटर फर्स्ट में तो साउथ ईस्ट में ही लगाएं, जगह बड़ी है तो,
किसी कारण से जगह थोड़ी सी कमी रह जाती है, जस्ट वहाँ तक जाती है, फिर मैं आपको कहूँगा ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में जेनसेट आप यहाँ पर लगा दें। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, पूरे प्लॉट का भरत, उसके बाद चार दीवारी। चार दीवारी में साउथ वाल आप सबसे पहले बनाएं, उसके बाद आप वेस्ट वाल बनाएं, तीसरे नंबर पे आप ईस्ट वाल बनाएंगे, फोर्थ नंबर पे आप नॉर्थ वाल बनाएंगे। कौन सी आउटर बाउंड्री वाल, इसी तरीके से आपने फर्स्ट नंबर पे प्लांट की साउथ वाल बनानी है, फिर वेस्ट वाल बनानी है, फिर आपने ईस्ट वाल और फिर आपने नॉर्थ वाल। ऑफिस आप सबसे पहले भी बना सकते हैं, प्लांट की दीवारों के बाद भी आप अपना ऑफिस बना सकते हैं। इसी के साथ अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपका अपना प्लांट है, प्लांट के अंदर हमेशा ही लेबर के रहने की भी व्यवस्था जरूर की जाती है। लेबर की व्यवस्था साउथ ईस्ट में हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है, किसी कारण से साउथ ईस्ट में लेबर की व्यवस्था नहीं हो सकती तो आपको लेबर के रहने के लिए जो जगह बनानी है वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के बीच में ही आपने जगह बनानी है, लेकिन नॉर्थ वॉल को टच करके नहीं। लेबर के जितने भी कमरे बनेंगे सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग बनेंगे। इसी के साथ में आपको काटा लगाने के लिए भी, यानी कि जो गाड़ी आपके यहाँ आ रही है उसका वज़न तोलने के लिए, जो गाड़ी आपके यहाँ से जा रही है उसका वज़न तोलने के लिए काटा भी लगाना ही पड़ेगा, तो आपको ये काटा यहाँ लगाना ही है। इसी के साथ में काटे का जो रूम बनेगा वो रूम आप ये भी बना सकते हैं, और आपके अपनी वेट की जो वायर है वो आपके अपनी ऑफिस में भी चली जाएगी। काटा लगाने के बाद इसके बाद आपको यदि काटे के ही बाजू में रूम बनाना है तो वो रूम आपका यहाँ बन जाएगा। इसी के साथ आपको एक काटे की वायर वज़न की जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले आप अपने ऑफिस में भी ले जा सकते हैं। इसी के साथ में मैं अब बता रहा हूँ प्लांट के बारे में, बाकी ओपन एरिया तो जब आपकी अपनी धान आएगी पैडी जो आएगी वो सारी की सारी ओपन एरिया में लग जाती है, क्योंकि जब भी पैडी आती है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आती है, क्वांटिटी में आई हुई पैडी हमेशा ही ओपन एरिया में लगाई जाती है, तो आपके पास ये जितना भी जगह है इस सारे एरिया में आप अपनी पैडी लगाएं। इसी के साथ अब मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग प्लांट की, सबसे पहले आपकी अपनी एक होदी बनेगी, वो होदी आपकी अपनी प्लांट से स्टार्ट हो जाती है, इसके अंदर आपकी अपनी पैडी आती है, यहीं आपका अपना एलिवेटर लग जाता है, यहाँ आपके अपने ड्रायर एक लगाना है एक लगाए, दो लगाने हैं दो लगाए, तीन लगाने हैं तीन लगाए, चार लगाने हैं चार लगाए। इसी के साथ बॉयलर भी लगाया जाता है, यहाँ पर आप अपना बॉयलर लगाएं, बॉयलर से ही हमारी अपनी चिमनी लगती है, यहाँ आपकी अपनी साउथ साउथ ईस्ट में चिमनी आ जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ आपके यहाँ जब प्लांट चलता है, चावल चलती है धान चलती है, तब आपके यहाँ एक भूसी का स्टोर भी बनता है, जो भूसी आपकी अपनी कुछ तो बॉयलर में यूज हो जाती है, कुछ आपके अपने स्टोर उठाई जाती है, वो भूसी आपकी अपनी इस एरिए में इकट्ठी हो जाएगी। इसी के साथ पहला प्लांट आपका अपना यहाँ से लेके प्लांट शुरू होता है। प्लांट आपने हमेशा ही कैसे लगाना है, साउथ ईस्ट में ही आपका अपना ये प्लांट लगना चाहिए, कंप्लीट आपका प्लांट ईस्ट वाल से शुरू होके साउथ वाल की ओर, नॉर्थ वाल की ओर कभी भी आपने प्लांट नहीं लगाना है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। आपका यदि प्लांट साउथ की ओर लगा है तो आपका प्लांट बहुत बढ़िया चलेगा। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, जो आपका अपना सोलटेक्स मशीन लगती है, लास्ट प्रोसेस की मशीन जो लगती है, वो मशीन आपकी अपनी यहाँ आती है, ये आपका अपना यहाँ पर प्लांट कंप्लीट लग जाता है, लास्ट में माल आपका अपना यहाँ से सोलटेक्स होता हुआ
लास्ट में आपका अपना माल यहाँ फाइनल निकलता है। ये माल आपका अपना वेस्ट की ओर भी निकल सकता है, ये माल आपका अपना नॉर्थ की ओर भी निकल सकता है। जब आपका अपना ये माल निकलता है तो यहाँ पर बहुत बड़ा ढेर किस चीज़ का, चावल का इकट्ठा होता रहता है। यहीं से माल कट्टों के अंदर, बोरियों के अंदर भर दिया जाता है। जब माल भरा जाता है तो माल को इकट्ठा करके साउथ वेस्ट कॉर्नर से लगाना शुरू कर दिया। इसी के साथ में एक चीज़ और है, क्योंकि चावल के अंदर कई तरह की क्वालिटी निकलती है, साबुत चावल निकलता है, टोटा निकलता है, इसके साथ में येलो ब्राउन चावल भी निकलता है। तो उसी तरीके से आप अपने यहाँ पर कुल मिला के इस एरिया में ही स्टोरेज आपकी होनी चाहिए। ये कंप्लीट एरिया आपका अपना माल के रखने का है। सबसे पहले आपने माल साउथ वेस्ट में इस कॉर्नर में ही माल लगाना है। इस कॉर्नर में यदि आप माल लगाएंगे तो आपका अपना माल जल्दी बिकेगा, अच्छे रेट में माल बिकेगा, अच्छी क्वालिटी के साथ माल बिकेगा, आपकी क्वालिटी पसंद की जाएगी। इसके साथ में मैं आपको दरवाज़ों की भी पोजीशन बता रहा हूँ, क्योंकि आपका अपना राइस प्लांट है, इसके अंदर बहुत सारे दरवाज़ों की आवश्यकता होती है। एक दरवाज़ा आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, दूसरा दरवाज़ा आपका नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ के बीच में, एक नॉर्थ में आ जाएगा आपका दरवाज़ा, ऐसे ही एक दरवाज़ा और आपका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के बीच में आएगा। तैयार माल के लिए एक दरवाज़ा आपका अपना नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के बीच में आएगा, दोनों गोडाउन के बीच में, प्लांट और गोडाउन के बीच में। ये एक दरवाज़ा आपका यहाँ आ जाएगा, एक दरवाज़ा आपका ये सेंटर में आ जाएगा गोडाउन के। यहाँ आपका अपना ये कंप्लीट ऑफिस बनेगा ही, क्योंकि ऑफिस के आगे यहाँ आपकी अपनी ये कंप्लीट पार्किंग बन जाएगी गाड़ियों की। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अपने यहाँ पर पानी की बोरिंग और साथ में ईटीपी कहाँ लगाना है। पानी की बोरिंग नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, एक करानी है एक कराओ, दो करानी है दो कराओ, तीन करानी है तीन कराओ। ईटीपी आपने जो लगाना है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में ईटीपी लगाए। लेकिन ईटीपी लगाते हुए आप इस चीज़ का हमेशा ही ध्यान रखें कि उसका अपना फ्लोर लेवल वहाँ के ग्राउंड लेवल से बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ साथ एक बात और, आपने अपने पूरे प्लांट की जो ढलान देनी है, जो स्लोप करनी है, वो सारी की सारी साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर, ऐसे ही ओवरऑल साउथ से नॉर्थ की ओर ढलान आएगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर भी स्लोप जाना ही चाहिए, होना ही चाहिए, क्योंकि जब क्योंकि प्लांट आपका बहुत बड़ा है, इकट्ठा एक स्लोप नहीं कर सकते आप एक तरफ, लेकिन कंप्लीट साउथ से नॉर्थ की ओर स्लोप आता है। तो मेरा अपना यह मानना है, आपके पास कम पैसा है और आपने अपने मन में ठान लिया है कि प्लांट लगाना ही है, आप मेरे अनुसार इस तरीके से प्लांट का सेटअप करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो आपका प्लांट जरूर लग जाएगा। कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से पैसे की अरेंजमेंट हो ही जाएगी, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। लेकिन इसमें सावधानी बरतनी हो तो पूरे प्लांट की ढलान स्लोप सही होना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सेड का भी जो स्लोप हमने करना है, कोशिश करो वन साइड हो एक तरफ, इसी के साथ साथ एक बात हो रहा है, जब प्लांट लगाया जाता है प्लांट के आगे एक छोटा सेड भी डाला जाता है लो हाइट पे, नीचे की हाइट पे, वो सेड आपका अपना कंप्लीट नॉर्थ की ओर स्लोप करते हुए ही होना चाहिए और रहेगा भी, क्योंकि आपके अपने पूरे प्लांट का जो फ्लोर लेवल है वो ऊंचा है, उसके बाद जो ओपन एरिया है उसका फ्लोर लेवल नीचे है, लेकिन ओपन एरिया से जो सेट डाला प्लांट के आगे
इसका फ्लोर लेवल ओपन एरिया के फ्लोर लेवल से ऊंचा होना ही चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ एक बात और कहना चाहूँगा, जब आप यहाँ अपना ऑफिस बना रहे हैं, ऑफिस बनाते हुए ऑफिस का जो डीपीसी लेवल है आपके प्लान के लेवल से ऊंचा होना ही चाहिए, हर हालत में ऊंचा होना चाहिए। इसी के साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा, जब आप पूरे प्लांट को लगा रहे हैं, जो सेट, जो दीवारें, जो पेंट आप करना चाहेंगे, मैं वो आपको बता रहा हूँ, आपने जो पेंट करना है पूरे प्लांट में, पीच कलर, लाइट ब्राउन कलर, ऑफ वाइट कलर, लाइट बिस्कुटी कलर, गेहूं का कलर आपने प्लांट के अंदर पेंट करना है। सीलिंग ओनली वाइट होनी चाहिए, कैंची गार्टर ओनली वाइट ही होने चाहिए, ऑफिस भी आपका अपना कंप्लीट ऑफ वाइट होना चाहिए, और जो आपके अपने यहाँ लेबर क्वार्टर बने हैं वो आपके अपने ग्रे कलर के ही होने चाहिए। जो आपकी अपनी मशीनरी आएगी, मशीनरी के ऊपर जो पेंट आएगा, वो जो कंपनी का आ रहा है वो तो आ ही रहा है, जो पेंट आप करेंगे वो पेंट कंप्लीट सारा का सारा पीच कलर, बेज कलर, लाइट ब्राउन कलर या रेड कलर, क्योंकि कंप्लीट पूरे प्लांट पे रेड कलर अच्छा नहीं लगेगा, बेज कलर, पीच कलर करने के बाद हल्की हल्की कहीं कहीं एज ए बॉर्डर के तौर पर आप रेड कलर पेंट कर दीजिए, आपको इससे बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। इसी के साथ अब मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, कि आपकी अपनी जगह बहुत बड़ी है, बरसात का पानी बाहर नहीं निकल पाएगा, तो आपको ड्रेन वाटर जितनी भी जगह आपको मिल जाए, लेकिन रेन वाटर करना कहाँ है, ईस्ट के सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर जितनी मर्जी कर दीजिए, एक दो तीन ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, एक दो तीन चार, जितनी आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहें उतनी आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि पूरे प्लांट का स्लोप तो सारा यहीं आना है। इसके साथ, इसके बावजूद भी एक काम और करना पड़ेगा हमें, वो क्या है, हमें नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेके नॉर्थ वॉल के साथ साथ कंप्लीट एक नाली निकालनी पड़ेगी। जब बरसात ज़्यादा आती है, सारे टैंक फुल हो गए हमारे, कौन से रेन वाटर वाले, उसके बाद पानी और फ्लो के बाहर तो निकल नहीं है, या तो प्लांट में भरेगा, प्लांट में आपने पानी भरे नहीं रहने देना है, तो आपको एक नाली या पंप के द्वारा, यहाँ एक पंप लगा के कहीं भी पानी को आप बाहर फेंक सकते हैं। इसी तरह जो मैंने आपको जानकारी दी है, आपको यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, आप मेरी वीडियो को अपने सर्कल में शेयर ज़रूर करें, और अपने यहाँ पर बदलाव करने से पहले आप मेरी वीडियो को सुने, समझें, उसके बाद आप अपना बदलाव करें। जब आपको लगे कि हाँ बंसल जी की वीडियो सही है, अपना प्लांट लगा सकते हैं। इसी के साथ अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय के साथ चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।